वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे 2018 का सेट ए ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 12th के लिए है ये, हरियाणा बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर। तो इसमें मैं बता दूं, विलियमसन सिंथेसिस के अंदर दो अल्कोहल मिलकर ईथर फॉर्मेशन करते हैं, तो किसके प्रिपरेशन के लिए हो गया ये ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना था हमें। तो ये जो ग्रुप होता है ये कीटोन होता है, तो हम बोल देंगे 2-methyl कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमेशा फर्स्ट कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड, ये तीनों ग्रुप हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे लिए जाते हैं, तो हम इसको 1 मानेंगे, इसको 2, तो ये हो जाएगा 2-methyl साइक्लोहेक्सीन ओन। यहाँ पे ओन आएगा, इसे ठीक कर लेना, हेक्सीन ओन। नेक्स्ट देखते हैं, इसका ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इसका नाम बताना था हमें, तो ये हो जाएगा ट्राई अमाइन, डबल ए आता है। जब अमोनिया होता है उसमें डबल ए आता है, और जब उसका अमोनिया का कोई डेरिवेटिव होता है तो सिंगल ए आता है। तो अमोनिया था तो हम लिख देंगे इसमें ट्राई अमाइन ब्रोमो क्लोरो हाइड्रोक्रोमियम 3। तो इसमें आप देखना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैंने आपको केमिस्ट्री का एक ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर डिजाइन या फिर आप कह लीजिए टाइटल डाला था मैंने, मस्ट सी बिफोर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। तो उसमें मैंने आपको सारा क्वेश्चन पेपर डिजाइन बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे ही और भी बहुत से चैप्टर के बताए थे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस चैप्टर में से आ रहा है, ऐसे बहुत बताए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे छोटे क्वेश्चन जरूर देख लेने हैं, छोटे क्वेश्चन बहुत काम के हैं। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली नेमिंग के ही आएंगे, तो आपको नेमिंग आनी चाहिए। आपको मैं थोड़ा बहुत सिखाना चाहूँ तो पहले इसमें अल्फाबेट वाइज लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ए, फिर बी, सी और फिर आई। तो ऐसे अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ऐसे नहीं कि पहले क्लोरो लिख दिया फिर ब्रोमो, ऐसा नहीं चलेगा। अल्फाबेटिकली लिखना है, पहले ब्रोमो देन क्लोरो, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे कैटलिस्ट डाल के, हमने कैटलिस्ट डाला, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, तो फिर उसका रेट कॉन्स्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। चिलेटिंग लिगेंड वो होते हैं जो एक से ज्यादा डोनर साइट रखते हैं। इसका एग्जांपल, यानी कि ये एक MCQ था जिसमें ऑप्शंस भी दे रखे थे, तो मैंने आपको पहले चिलेटिंग लिगेंड के बारे में, लिगेंड के बारे में बताया कि वो क्या होता है। तो ऐसा लिगेंड जो 2 से ज्यादा डोनर साइट रखता है या फिर 2 डोनर साइट रखे, तो उसे हम बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल उसमें आंसर था CN-, ये N से भी बॉन्ड बना सकता है और C से भी, तो इसमें 2 डोनर साइट है, दैट्स व्हाई इट इज अ चिलेटिंग लिगेंड। नेक्स्ट ये रिएक्शन पूछी थी हमसे, A और B बताना था हमें, तो ये है मिथ ऑक्सी बेंजीन, इसी का ही दूसरा एनिसोल, इसी को ही एनिसोल बोलते हैं। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे HI के साथ में, तो ये जाके रिएक्ट करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर, और H वहाँ पे जुड़ जाएगा और CH3 को हटा देगा। तो जब ये H यहाँ पे जुड़ेगा तो ये फिनोल बना देगा। जब बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है उसे ही हम फिनोल बोलते हैं, और CH3 जो I बचेगा ये इसके साथ जुड़ जाएगा और कार्बन के सारे बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें रेट कॉन्स्टेंट की जो यूनिट थी वो दे रखी थी, और हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना था। तो हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यूनिट कैसे निकालते हैं, हम दोनों में रिलेशन क्या होता है, कि अगर ये हमें कभी भी रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं। देखो जितना उसके छोटे क्वेश्चन ही हैं, लेकिन जितना हो उसके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, वरना मैं सीधा भी आंसर बोल सकती थी, 0 हो जाएगा। तो ऐसे एक्सप्लेन करके शायद आपके थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रिवाइज हो पाए, और इसी टाइप से अगर कोई और क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ऐसे ही हम सारे केमिस्ट्री के, बायो, फिजिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, सभी के ऐसे ही सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे विद सॉल्यूशन, और जितना एक्स्ट्रा उसमें मैं आपको बता पाऊंगी उतना कोशिश करूंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लगे कि वीडियो काम की है हमारे। वैसे भी प्रीवियस ईयर तो जरूर करनी चाहिए आपको एग्जाम से पहले, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चल जाता है इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और वैसे मैंने ब्लूप्रिंट भी सभी सब्जेक्ट के अपलोड कर रखे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और 5 मार्क्स के, 1 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएंगे। सो दोबारा से इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n / टाइम, ये होता है रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट का फॉर्मूला।
सो एन हम इसमें वो लिखते हैं जो ऑर्डर होता है, तो इसमें हमें एन निकालना है और यूनिट हमें पहले से ही दे रखी है। सो जब हम इसमें एन की वैल्यू 0 पुट करते हैं तब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी मोल लीटर -1 टाइम -1, ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब एन की वैल्यू 0 ही है और एन की वैल्यू 0 होती है 0 ऑर्डर के लिए। अगर एन की वैल्यू 1 आती तो ये होता फर्स्ट ऑर्डर, एन की वैल्यू 2 होती तो होता सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा है। तो इसमें ये पूरा ऑर्डर ही मैंने आपको लिख के बता दिया, वैसे तो ऑप्शंस दे रखे थे और ऑप्शंस में से बताना था सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है ये बताना था, बट मैंने इसमें पूरी सीरीज बता दी है आपको। जो H2S है उसमें सबसे कम होता है, क्योंकि वैसे तो H2 में होना चाहिए था बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है और H2S का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं वीकेस्ट एसिड कौन सा है, तो ऑप्शन दे रखे थे, उनमें सबसे वीकेस्ट एसिड है इथाइल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। देन कोऑर्डिनेशन नंबर बताना था इस कंपाउंड का, तो देखो जो C2O4 है ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है और ये हमने 3 यूज कर रखे हैं। बाइडेंटेट है इसका मतलब दो डोनर साइट हैं, दो बॉन्ड बनाएगा और 3 हैं ये, तो 3 दो दो बॉन्ड बना के 6 बॉन्ड बना लेंगे, 6 बॉन्ड बने होंगे तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर वही होता है किसके साथ कितने बॉन्ड बना रखे हैं एक कंपाउंड में, तो फिर इसमें 6 बॉन्ड हो जाएंगे, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ए बताना था हमें क्या होगा, तो जहां पर भी कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो समझ लेना डिहाइड्रेशन करना है, पानी निकाल दो इसमें से, जैसे ही पानी निकलेगा H2O निकाल दो निकलेगा, वैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इथीन बन जाएगी। SN2 रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन SN2 रिएक्शन, देखो इनमें ना कोई कैटायन वगैरह नहीं बनता, पीछे से अटैक होता है, यानी अगर यदि कोई बहुत बड़ा ग्रुप होगा तो उसमें से पीछे से अटैक करना बहुत ही मुश्किल होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ जाएगा। तो ये जो CH3Cl है ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल है जो गिवन ऑप्शन है उनमें से, तो जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होगा उसी में SN2 सबसे फास्ट होती है और इसीलिए स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर देते हुए हम बता देंगे कि SN2 विल अकर इन दिस। और इसका जो ऑर्डर होता है वो मैं आपको बताना चाहूँ, तो सबसे पहले प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि भाई सबसे पहले प्राइमरी के ऊपर अटैक होगा, सेकेंडरी के ऊपर होगा और लास्ट में टर्शियरी के ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ये सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं करवा रहे हैं। देन हेनरी लो और उसकी दो एप्लीकेशन बतानी है हेनरी लो की, तो हेनरी लो की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कहती है कि जब भी हम आपने देखा होगा कि जब भी हम कोका कोला के कोई भी बॉटल खोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं, तो उसमें से एकदम से बहुत ही ज़्यादा गैस रिलीज होती है, सो उसमें वो CO2 डिजोल्व कैसे की होगी, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर प्रोवाइड किया होगा जब उसको सील कर रहे होंगे तब, जब ही तो वो उसके अंदर सोल्यूबल हो पाए, यही हेनरी लो को एक्सप्लेन कर रहा है। हेनरी लो ने भी यही बताया था कि जब हम उसको प्रेशर को बढ़ा देंगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसे ही हम हाई प्रेशर के ऊपर जब उसको सील करते हैं तो उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो इसमें हमने एग्जाम्पल दिया है वो ये है कि हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है ग्राउंड लेवल की बजाय, क्यों, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, वहां पे प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन भी कम होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो हेनरी लो बेसिकली यही था कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और उसी के दोनों एग्जांपल दिए हमने। इसमें एक और एग्जांपल होता है जो डाइवर्स होते हैं स्कूबा डाइवर्स, वो अपने सिलेंडर के अंदर हीलियम गैस को क्यों भरते हैं, क्योंकि हीलियम गैस सॉल्युबिलिटी फैक्टर से रिलेटेड होती है। देन ये क्वेश्चन भी आप रीड कर लेना, ये डाइवर्स स्कूबा डाइवर्स वाला, क्योंकि ये भी बन सकता है छोटे क्वेश्चंस में, वैसे बहुत ज्यादा छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन स्कॉटकी डिफेक्ट एंड एग्जांपल, स्कॉटकी डिफेक्ट और उसके एग्जांपल बताने हैं। तो जो स्कॉटकी डिफेक्ट होता है उसमें आपको ऐसे लिखना है इस टाइप से, देखो जिस टाइप से आपको लिखना है बोर्ड एग्जामिनेशन में वैसे भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और सभी सब्जेक्ट के सभी प्रीवियस ईयर विद सॉल्यूशन फ्री में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि आपके काम की चीज है, और अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं किए हैं तो आप करना स्टार्ट कर दो क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही जरूरी है। क्या होता है, इट डिफेक्ट इन क्रिस्टल लेट इज क्रिएटेड बाय रिमूविंग एन आयन फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट एंड प्लेसिंग इट ऑन द क्रिस्टल लेट सरफेस। देखो अगर यदि मान लीजिए उस कॉपी के अंदर कोई भी एटम है और कोई भी आयन है, उस आयन को हमने निकाल दिया वहां से और सरफेस के ऊपर रख दिया, वो अपनी जगह से निकल गया है, तो अपनी जगह से निकला है तो वहां पर डेंसिटी कम हो गई होगी, उस सरफेस के अंदर डेंसिटी कम हो गई,
और ये स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, यानी कि मान लीजिए हमने पॉजिटिव आयन को निकाला है तो उसके साथ साथ चिपक के एक नेगेटिव आयन भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, यानी कि जितना आयन इसमें, जितना चार्ज इसमें पहले था उतना ही चार्ज बाद में रहेगा, चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और डेंसिटी घट जाती है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें से कुछ चीज निकालेंगे तो डेंसिटी तो घटेगी, नॉर्मल सी बात है। और दोनों का जो साइज होना, कैटायन और एनायन का साइज जो होगा ना, वो एकदम सेम, ऑलमोस्ट सेम होगा। सो इसका एग्जाम्पल हो गया NaCl, KCl, KBr। सो शॉर्टकट और फ्रेंकल, इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, इन दोनों को अलग से डिफाइन करना भी आ सकता है, तो ये दोनों देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट मोलरिटी। मोलरिटी बतानी है तो सबसे पहले मोल्स को हम काउंट कर लेंगे, मोल्स कितने हैं कैलकुलेट कर लेंगे, और देन उसके बाद में मोलरिटी बता देंगे फॉर्मूला में पुट करके। ये बहुत ही ईजी सा एक न्यूमेरिकल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल में अगर एक ही करवाने बैठ जाऊंगी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर कोई नहीं देखेगा। और वैसे भी हमें इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने हैं आपको, तो वो मैं आपको पूरा जितना हो सके मेरी तरफ से उतना करवाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मैंने लिखे भी हैं, ढूंढे भी हैं कहीं से, लिखे भी हैं, यानी पहले बोर्ड की साइट से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो, फिर उन्हें लिखो, फिर उनके सॉल्यूशंस ढूंढो, कभी प्रदीप की बुक से ढूंढो, कभी NCERT से ढूंढो। एक ही बार ऐसा होता है कि जो सैंपल पेपर हैं उनमें गलत मिल जाते हैं, तो सैंपल पेपर से करना ठीक नहीं रहता। सैंपल पेपर से अगर जितना हो सके ना उतना अपनी बुक्स को प्रेफर करो। सैंपल पेपर में क्या होता है कि बहुत से क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, तो उनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सैंपल पेपर में गलत है कि हमारी बुक में नहीं, बुक में गलत नहीं होता। तो बुक को ज़्यादा प्रेफर करो और सैंपल पेपर को ऐसे ही, बहुत बार गलत क्वेश्चंस मिल जाते हैं सैंपल पेपर में। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी फॉर्मूलेज पुट करने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक जैसा क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, इनके फॉर्मूलेज देखो मैंने आपको प्रोवाइड भी कर दिए हैं, लिख रखे हैं दोनों फॉर्मूलाज, पुट करके और आसानी से हो जाएगा। देन ट्रैंक्यूलाइजर और उनके यूज बताने हैं, ये भी सिलेबस में नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कहाँ इजी सा न्यूमेरिकल था, ये तो बहुत ही हार्ड न्यूमेरिकल है। सो अगर आपको न्यूमेरिकल बहुत हार्ड लग रहे हैं तो आपको फॉर्मूला रिवाइज करने की जरूरत है। और अगर आपको चाहिए कि मैं हर एक चैप्टर के एक साथ सारे फॉर्मूलेज प्रोवाइड कर दो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि अगर ये फॉर्मूलाज नहीं आएंगे ना तो कभी भी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। और फॉर्मूलाज एक जगह पे लिखे होंगे तो आप जल्दी रिवाइज कर पाएंगे, तो मुझे बता देना, मैं आपको एक जगह पे सारे फॉर्मूलाज प्रोवाइड कर दूंगी। जितना हो सके मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगी, बस आप भी मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और मुझे बताइए कि अभी आपको क्या चीज़ की जरूरत है। देखो अभी अगर आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स भी हार्ड लग रहे हैं ना, तो अभी कमेंट में मुझे ये लिख के जाना कि फॉर्मूले हमें नहीं आते हैं और हमें फॉर्मूले एक साथ प्रोवाइड कर दीजिए, तो उससे और जितना हो सके मैं आपको याद करवाने की भी कोशिश करूंगी, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत बार किसी चीज को बोलते हैं तो याद हो जाती है। सो आप एक बार मुझे जरूर बता देना कि आपको दोनों न्यूमेरिकल्स हार्ड लग रहे हैं, तो अभी मुझे बता के जाना, क्योंकि अगर नहीं बताओगे मुझे कैसे पता चलेगा, फिर आप फिर से रह जाओगे कि भाई न्यूमेरिकल तो हमारे हुए ही नहीं। सो ऐसे मत सोचना कि भाई इन्होंने लिख रखा है वैसे के वैसे छाप लेते हैं, हम भी ऐसे छाप देंगे, नहीं याद नहीं रहता, इतना सारी चीजें हो जाती हैं। थोड़ी रखने के लिए बहुत है, न्यूमेरिकल्स के लिए बस फॉर्मूले याद कर लेना, फिर अपने आप हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा और उनकी यूनिट्स को ध्यान देना पड़ेगा। सो मुझे कमेंट में बता जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का सेकंड लॉ बताना है, वी हैव द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट आयंस। देखो हमने दो सेपरेट वेसल्स ले रखे हैं, दोनों के अंदर अलग अलग आयंस हैं और दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है, दैट आर लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स। अच्छा तो हम दोनों में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो फिर इलेक्ट्रोड के ऊपर इसमें हो सकता है ज्यादा आयंस कलेक्ट हो जाएं और इसमें कम आयंस कलेक्ट हों, तो ये जो आयंस कलेक्ट होंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन विद एग्जांपल। सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, देखो इसमें है ना बेसिकली हमारे NCERT में सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बारे में बताया गया है। क्या क्या हमें लगता है कि उसमें दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ये सेकंड यूनिट की सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होनी चाहिए, सेकंड टू मोलर रिएक्शन होनी चाहिए, बट नहीं, वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ही होती है। क्यों? क्योंकि उनमें से एक तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा होता। सो इसकी डेफिनेशन देखें तो इन केमिकल रिएक्शन इफ टू और मोर रिएक्शंस आर इन्वॉल्वड बट द आर आर डिपेंड ओनली अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट। किसी एक ही रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है रिएक्शन, तो वो हम कहते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर, यानी कि वो यूनिमोलिकुलर तो है बट हमें लगेगा कि नहीं वो यूनिमोलिकुलर नहीं, या तो दो मोलिकुलर है, टू मोलिकुलर है, या फिर थ्री एंड मोर। सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एसिड कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन एफ सेंटर एंड यूनिट सेल।
सो एफ सेंटर क्या होते हैं, ये बेसिकली किसी आयन की वैकेंसी के, एनायन की वैकेंसी के कारण होते हैं। मान लीजिए कोई एनायन यहाँ से चला गया, तो अब इस सिस्टम का तो जितना चार्ज था उतना ही रहने की टेंडेंसी है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन आएगा और उसकी वजह से कलर रिलीज होते हैं। एफ सेंटर कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इसकी डेफिनेशन देखें तो एन एफ सेंटर इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टोग्राफिक डिफेक्ट इन विच एन एनायन वैकेंसी इन क्रिस्टल लेटेस्ट इज ऑक्यूपाइड बाय एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनायन की वैकेंसी को फिल कर देता है और कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही होता है एफ सेंटर। यूनिट सेल क्या होता है? एक ऐसा स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम जिसको अगर यदि हम तीन डायरेक्शन यानी थ्री के अंदर रिपीट करें तो वो पूरा सिस्टम हमें प्रोवाइड कर दे। डेफिनेशन देखें तो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम विच हैज द ओवरऑल सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स एंड फ्रॉम विच द एंटायर लैटिस कैन बी बिल्ट। एक ऐसा स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम जिसे हम 3D में अगर यदि रिपीट करें तो वो पूरे सिस्टम, पूरे लैटिस को हमें बना के दे सकता है। नेक्स्ट रिफाइनिंग का है, तो जो चैप्टर 6 है जिसमें रिफाइनिंग आती है डिलीटेड है, नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वार्ज रिएक्शन, वुड रिएक्शन, सैंडवे रिएक्शन, ये बतानी है। तो ये इन सभी का मेरे पास नेम्ड रिएक्शन इकट्ठी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, मेरे पास पड़ी है। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सारी कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएक्शन की सारी जो नेम्ड रिएक्शन है वो मैंने एक जगह पर इकट्ठी कर रखी है। सो अगर आपको चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर भी एक बार देख लेते हैं, स्वार्ज रिएक्शन क्या होती है? फ्लोरो एल्किन्स बनाने के काम आती है। कैसे? हम कोई भी एल्काइल क्लोराइड ले लेंगे, एल्काइल क्लोराइड लो या कोई भी Cl की जगह पे कुछ और भी हम ले सकते हैं, कोई भी X, Fi, एनीथिंग। नॉर्मली Cl लिया जाता है, नॉर्मल केसेस Cl को रिप्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा फ्लोरो एल्किन बन जाएगा और Hg2Cl2 निकल जाएगा। देन वुड्ज रिएक्शन क्या होती है? दो R को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, इसमें हम सोडियम विद ड्राई इथर यूज करते हैं। कैसे? RX था, उसमें हमने जब सोडियम ड्राई इथर ये डाला तो फिर जो दो RR ग्रुप थे वो एक साथ जुड़ जाते हैं। सो इसमें ये रिएक्शन होती कैसे है? RX, दो Na, फिर RX। अब ये जो बीच बीच का पोर्शन है सारा निकल जाएगा और R और R कनेक्ट हो जाते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन एक हम किस लिए यूज करते हैं? एनिलीन से हेलोबेंजीन बनाने के लिए। जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है उसे हम एनिलीन बोलते हैं, और हेलोबेंजीन यानी बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलाइड X, F, Cl, BRI इनमें से कोई भी लगा होता है तो उसे हम हेलोबेंजीन बोलते हैं। सो इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन। जब एनिलीन के अंदर हम NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डालेंगे तो ये N2Cl2 यानी कि इसे हम बोलते हैं डायजोनियम आयन, डायजोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम जब इसमें Cu2Cl2 डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और जब Cu2Br2 डालेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये है सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट कैटलिस्ट के बारे में बताना है, इन डिलीटेड सिलेबस नहीं कर रहे हैं। देन एनोमर, एनोमर क्या होते हैं? दीज आर द साइक्लिक स्टीरियो आइसोमर्स सच एज सुगर हुज रोल कन्फर्मेशनल डिफरेंस इन्वॉल्व द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। तो जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के डिफरेंस के कारण जो अरेंजमेंट में चेंज आता है उसी को हम एनोमर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सुगर्स में बहुत ज़्यादा देखा था, जैसे कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज, इनमें ये असल में स्टीरियो आइसोमर ही होते हैं, साइक्लिक ही होते हैं, बट इनमें एल्डिहाइड कीटोन के ग्रुप में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये ना सारे बायोमोलिक्यूल्स में से हैं, ये जो अभी हम देख रहे हैं डिफाइन टर्म एनोमर, पेप्टाइड बॉन्ड, रिड्यूसिंग सुगर, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमोनियम एसिड टू एन अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर। जब हम एक के अमीनो ग्रुप को दूसरे के अमीनो ग्रुप से जोड़ते हैं तो जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है पानी के निकलने से, वही पेप्टाइड बॉन्ड है। रिड्यूसिंग सुगर कौन सी होती है? दीज सुगर्स, दोज सुगर्स विच कैन रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग सुगर क्या है? जो रिड्यूस हो जाए, रिड्यूसिंग एजेंट के आने पर जो खुद को रिड्यूस कर लेंगी वो ही रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। कौन सी, नॉर्मली कौन सी शुगर्स ऐसे होते हैं जो खुद को रिड्यूस कर पाती हैं? जो फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन अपने अंदर रखती हैं, जिनके अंदर भी फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा वही रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। नेक्स्ट हम ये रिएक्शन दे रखा था और कहा था कम्प्लीट इट। तो इसमें देखो जो टोल्यूइन है उसके ऊपर NH2 लगा है, या फिर कह लीजिए एनिलीन जो है उसके ऊपर CH3 लगा है, क्योंकि जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो उसे हम बोलते हैं टोल्यूइन, और जब भी बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है उसे हम बोलते हैं एनिलीन।
तो इसको रिएक्ट कराया हमने NaNO2 HCl के साथ में 273 से 278 केल्विन के ऊपर। सो इसमें हमने देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था सेंड मी अ रिएक्शन का, कि जब भी हम ये दोनों रिएजेंट लेते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो इसमें सेंटीग्रेड में था उसको केल्विन में कन्वर्ट कर रखा है, बस इतना ही अंतर है। तो जब भी वहाँ पे एनिलीन होता है तो उसको डायजोनियम में कन्वर्ट कर देता है, तो ऐसे ही इसको भी डायजोनियम में कन्वर्ट कर देगा। NH2 को किसमें बना दिया, N2Cl के अंदर, और इसी का क्या नाम हो जाएगा, 4-methyl 1-2-3-4, तो 4-methyl बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। सो ये बन जाएगा, इसके बाद में जब हम इसमें पानी प्लस H3PO2 डालेंगे तो फिर ये सारे यहाँ से हट जाता है और टोल्यूइन अकेला बच जाता है, फिर KMnO4 इन बेसिक मीडियम डाला है, तो बेसिक मीडियम में डालेंगे तो इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड और उसका स्ट्रक्चर बताना है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस आप यहां से रीड कर लेना और फिर स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं। तो फिर देखो H2SO4 एक एस है जो सबसे कम होता है, सबसे पहले उसको बीच में लिख दो, एक एस था उसको हमने बीच में लिख दिया। अब क्या है हमारे पास, चार ऑक्सीजन है तो चार ऑक्सीजन को सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ पहले अटैच करो इससे, तो चार ऑक्सीजन आ गई। फिर हमारे पास दो हाइड्रोजन बची, तो किन्हीं भी दो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन लगा दो और फिर जिनके बॉन्ड पूरे नहीं हुए हैं उनको डबल बॉन्ड कर दो, उनके बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। सो H2SO4 को बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले सल्फर को बीच में लिखो, जितने ऑक्सीजन है उतने उसके साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करो, फिर जितने हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से उतने हाइड्रोजन जोड़ दो, जो बच गए उनको डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। फिर ऐसे ही हमें H3PO3 और H3PO4 इनका स्ट्रक्चर, उनकी बेसिसिटी बतानी है। तो देखो जो H3PO3 है, H3PO3 उसके अंदर सुडो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है और उसकी बेसिसिटी दो होती है, कैसे होती है सारा बताएंगे। देखो सबसे पहले H3PO3 इसके अंदर सबसे कम कौन सा है, P एक ही है तो उसको बीच में लिख देंगे जो एक है। फिर ऑक्सीजन जितने बचे उनको उसके साथ एक एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, जितने हाइड्रोजन बचे उतने हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दो। अब एक ऑक्सीजन बचा है, देखो सबसे पहले ना एक ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड से हमेशा रखना ही है, एक ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से होना चाहिए, तो ये जब डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन बचेगा उसको हम ऐसे ही लगा देंगे। इसकी बेसिसिटी दो कैसे हुई, जितने भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं सिर्फ वही रिलीज होते हैं और उतनी ही बेसिसिटी होती है। देखो इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से कनेक्ट है, ये रिलीज होगा एक बेसिसिटी और ये भी रिलीज होगा दो बेसिसिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा दो। नेक्स्ट देखें H3PO4 के अंदर सबसे पहले P एक ही है उसको बीच में रख देंगे, ऑक्सीजन कितने हैं उनको अरेंज कर देंगे और एक ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से रखना है तो डबल बॉन्ड से कर देंगे। तीन हाइड्रोजन बचे, तीनों को एक एक हाइड्रोजन दे दिया। अब देखो जितने भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं वो निकल जाते हैं, तो इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, तीन हाइड्रोजन ऐसे जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है तीनों निकल जाएंगे तो बेसिसिटी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन बताना है, तो सबसे पहला नाइट्रोजन बहुत ही छोटा होता है, इन्हीं पॉइंट्स को अगर ये ज्यादा नंबर में आ जाता है तो इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना कि इसका साइज सबसे छोटा होता है अपने ग्रुप के अंदर, क्योंकि ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम तब साइज डिक्रीज होता जाता है, तो इसका सबसे कम होता है और इसमें डी ऑर्बिटल भी एब्सेंट होते हैं, तो लास्ट पॉइंट यही है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी वैलेंस डी ऑर्बिटल्स। फिर है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। सो इन्हीं को एक्सप्लेन करके लिख देना है अगर ये ज्यादा मार्क्स में आए, और अगर ये दो मार्क्स में आ रहा है तो चार पॉइंट बहुत है ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्सीडेशन स्टेट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, इनको ट्रांजिशन मेटल्स के अकॉर्डिंग बताना है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ केमिकल कंपाउंड, उसकी कितनी डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन है किसी भी कंपाउंड के अंदर, कोई भी एलिमेंट है उसकी कितनी डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उन्होंने बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन होती है, कैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल दें मैगनीज का, तो मैगनीज में +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन हो सकता है। Then catalytic properties. Transition metals show catalytic behavior mainly due to इसमें catalytic properties mainly किस कारण होती हैं? Presence of vacant d orbital. Vacant d orbital होता है transition metals के अंदर और ये बहुत सारी valency show कर सकती हैं और बहुत सारे complex compound बना सकती हैं, इसीलिए इनकी catalytic properties होती हैं। इसी के और में एक और क्वेश्चन दिया गया है कि जब हम H2S को एसिडिफाइड KMnO4 के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा,
तो देखो जो और में दिए गए हैं वो भी आपको सारे करवाने की कोशिश की जा रही है विद सॉल्यूशन, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको यूं ना लगे कि हमने तो ये पढ़ाई नहीं है। तो जितना हो सके उतना हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमारे साथ चलने की कोशिश करें। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो अभी हम देखें तो जब हम H2S को एसिडिफाइड KMnO4 यानी कि KMnO4 प्लस H पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे MnO2 बनेगा, सल्फर निकल जाएगा यहाँ से, KOH फॉर्मेशन होगी और पानी निकल जाएगा। देन जब KI की रिएक्शन होती है वही एसिडिफाइड KMnO4 के साथ में, एसिडिफाइड KMnO4 का मतलब है बीच में साथ में एसिड होगा और KMnO4 होगा और KI की रिएक्शन होगी। देखो विद बैलेंसिंग आपको प्रोवाइड किया गया है। देखो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और KI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दोनों रिएक्ट करके और ये रिएक्शन करेंगे, ये पानी निकाल, सबसे पहले पानी निकाल दो, जितने पानी निकल सकते हैं उतने पानी निकाल देंगे, फिर MnSO4 और K2SO4 बच जाएंगे और 10 आई लिए थे हमने, तो इनमें से कितने 5 I2 फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जब हम एसिडिफाइड KMnO4 की रिएक्शन FeSO4 के साथ में करवाते हैं तो क्या होगा, ये Fe2SO4 थ्राइस यानी फेरिक सल्फेट बना लेगा और MnSO4 K2SO4 और साथ में पानी निकाल देंगे। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो है कि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर हमने जिंक, कैडमियम और HG यानी कि मर्कुरी इन तीनों को क्यों नहीं रखा है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर क्यों नहीं आती, ऑर्बिटल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर कम्प्लीटली फिल्ड व्हेन दे आर इन देयर ग्राउंड स्टेट, इनके ना ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं जब ये ग्राउंड स्टेट में होते हैं और या फिर कोई भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं ना, तब इनके डी ऑर्बिटल हमेशा भरे हुए रहते हैं, इनके ऑर्बिटल हमेशा भरे हुए रहते हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर नहीं रखा गया है। तो याद रखना कि इनका ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है ग्राउंड स्टेट में भी और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें बताना है फिनोल और बेंजोइक एसिड में हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। अगर ये हमें दे दिया फिनोल और बेंजोइक एसिड दोनों अलग अलग दे दिए और हमें बताना है कि किसमें फिनोल है किसमें बेंजोइक एसिड है तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले हम FeCl3 का टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि FeCl3 जब फिनोल के साथ में रिएक्ट करता है तो वो एक वॉयलेट कलर का या फिर ब्लू कलर का कह सकते हैं, नॉर्मली से हम वॉयलेट कलर ही बोलते हैं, वॉयलेट कलर का PPT बनाते हैं, और जब बेंजोइक एसिड FeCl3 के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बफ कलर का PPT बनाता है। सो दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे, जिसमें भी हमने FeCl3 डाला और वॉयलेट कलर हो गया वो फिनोल था, और जिसमें भी हमने FeCl3 डालने पर बफ कलर आता है तो इसका मतलब वो बेंजोइक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट बेंजीन इनटू, बेंजीन को कन्वर्ट करना है एसिटोफिनोन के अंदर, एसिटोफिनोन का ये फॉर्मूला होता है कैसे पता चला, देखो सबसे पहले फिनोन बना लें, यानी फिनोन में क्या है बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड के ऊपर कीटोन लगा है, और एसिटो का मतलब है दो कार्बन, तो एक कार्बन दो कार्बन, और अगर भी हम CH3 को इस साइड लगाते तो ये तो एल्डिहाइड बन जाता क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो हमेशा ही दो आर के बीच में घिरा रहता है, तो एक आर दो आर, इसीलिए ये है इसका फॉर्मूला एसिटोफिनोन का फॉर्मूला। तो इसमें देखो बेंजोफिनोन बेंजीन में जब हम CH3C डबल बॉन्ड OCl ये डालेंगे तो वो एसिटोफिनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, इसे याद रखना ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और उसमें रिएजेंट डालता है AlCl3। ऐसे ही एक रिएक्शन होती है एल्डिहाइड के लिए, उसमें भी AlCl3 डलता है और यहाँ पे H सी डबल बॉन्ड OCl डलता है, उसका क्या नाम होता है, गैडरमैन कोच रिएक्शन। तो ऐसे साथ साथ में रिवाइज करते चलें, जितना हो सके उतना आपका सिलेबस में आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी, प्रीवियस ईयर के हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, प्रीवियस ईयर तो करने ही करने हैं, प्रीवियस ईयर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, जिस सब्जेक्ट की आपने प्रीवियस ईयर छोड़ दिया ना समझ लेना बस उसमें तो आपके 20 नंबर कम हो ही गए, उससे 20 नंबर का लगा लीजिए कि बहुत ही कम मार्क्स आएंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंजाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना है किसको, बेंजीन को, तो उसके लिए क्या है, यही है गैडरमैन कोच रिएक्शन, गैडरमैन कोच रिएक्शन क्या है, बेंजीन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या डालते हैं, AlCl3 डालते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 COHCl की प्रेजेंस में। नेक्स्ट अब तो हम लास्ट फेज के ऊपर पहुंच गए हैं, जब हम बेंजीन को बेंजोफिनोन में कन्वर्ट करते हैं, देखो बेंजीन को बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन का क्या मतलब है, फिनोन भी बेंजीन होती है और बेंजो भी बेंजीन होती है, और ओन लगा है इसका मतलब कीटोन है, तो बीच में कीटोन लगा देंगे, ये जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि जब हम क्लोराइड को AlCl3 की प्रेजेंस में डालते हैं तो वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, तो जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाएंगे बेंजीन के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, AlCl3 एक लुइस एसिड है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, सो ये रिएक्शन हो जाएगी और हमें बेंजोफिनोल मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसे कि और में पूछा था कि हमें HVZ रिएक्शन जो होती है, जेलेंस्की रिएक्शन, उसमें बताना था क्या होता है, उसके ऊपर शॉर्ट नॉल लिखना था। तो उसकी कंडीशन होती है सबसे पहले तो कि उसमें किसी भी कंपाउंड में ये रिएक्शन तभी होगी जब उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो अगर आपको नहीं पता अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखो मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो एक भी वीडियो को मत छोड़ना। जितने प्रीवियस ईयर की वीडियो आ रही हैं सभी को देखना है, और जितने भी सब्जेक्ट की आ रही हैं सभी सब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट हो सके मैं उतने आपके वीडियो में क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी, और प्रीवियस ईयर के सारे आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो अल्फा हाइड्रोजन नहीं पता तो मैं बता दूं, जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होता है इनकी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ये एटम लगे हुए होते हैं, तो उससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे लिखा है CH2 फिर बॉन्ड CF3, तो F लगा है इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है, उससे पहले वाले कार्बन के ऊपर CH2 था, उसके ऊपर हाइड्रोजन है 2, इसका मतलब उसमें भी 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पहले वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगे हों वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो जेलेंस्की रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम उसमें अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के अंदर रेड फॉस्फोरस, रेड P प्लस X2, यानी कि इसमें हम X बेसिकली क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोरीन ब्रोमीन ही लिया जाता है। तो फिर ये क्या करेगा, अल्फा हेलो एसिड बना लेता है। याद रखना बहुत बार छोटे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि HVZ रिएक्शन के अंदर क्या फॉर्मेशन होती है, क्या बनता है, अल्फा हेलो एसिड। अल्फा हेलो एसिड क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसकी अल्फा पोजीशन पे, यानी इससे पहले वाले कार्बन पे, ये जो पोजीशन होता है इसे हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं, इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर एक हेलोजन जुड़ गया है और ये एसिड भी है, COOH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिड भी है, तो क्या बन जाएगा ये, अल्फा हेलो एसिड। इसका ये एग्जांपल भी दिया हुआ है मैंने आगे दी, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में आ रखा है तो आपको एग्जांपल भी देना चाहिए, और जिनमें भी डायग्राम पॉसिबल हो उनको अंदर डायग्राम भी बनाएं, जिनमें रिएक्शन पॉसिबल हो उनके अंदर रिएक्शन भी लिखें, लेकिन अगर ये नहीं आता है तो गलत ना लिखें, क्योंकि सबसे पहले टीचर का ध्यान उस रिएक्शन के ऊपर या उस डायग्राम के ऊपर ही जाएगा, अगर वही गलत है तो बाकी आगे नहीं पढ़ा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि भाई जब इनोल या फिर इनोलेट आयन रिएक्ट करते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, तो फिर वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, उन्हीं को हम एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। सो ये जो चैप्टर था, ये जो क्वेश्चन पेपर था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट हाफ आवर लग गया है, इसलिए लगा क्योंकि भाई देखो ये पेपर यदि हमें बोर्ड में करना होता तो हमें इसमें 3 आवर मिलते, सॉरी 2.5 आवर मिलते, सो उतने का टाइम हमने अगर आधे घंटे में कर लिया तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात कि ये जो है मैंने आपको समझाए भी हैं, अगर लिखना होता तो भी लिखने में भी इतना ही टाइम लग जाता ऑलमोस्ट। तो हाँ मैं मानती हूँ वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, बट फिर भी आपको ये कंप्लीट देखनी चाहिए, और आपने अभी तक देखी है तो ये आपके बहुत ही काम की रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, प्रीवियस ईयर के सारे करने हैं। फिर से कह रही हूँ, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रखे हैं कि कैसे लिख रखे हैं इन्होंने, तो आप मुझे बता दीजिए, फॉर्मूले सारे रिवाइज कराऊंगी, एक जगह पे सारे लिख के बता दूंगी आपको कि इस चैप्टर में ये फॉर्मूलाज हैं। सो मुझे बता के जाना कमेंट में आपको जो भी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।